नालागढ़ के एसडीएम दिव्यांशु सिंगल के नेतृत्व में रेलवे विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच हुई बैठक के बाद रेलवे लाइन निर्माण कार्य खोल दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह परिवार सहित धरने पर बैठ जाएंगे। पिछले दो दिनों से लोगों ने बराबर मुआवजा न मिलने पर काम रोक दिया था। एसडीएम दिव्यांशु सिंगल रेलवे के अधिकारियों व भूमि मालिकों के साथ बद्दी में बैठक की, जिसमें किसानों ने एसडीएम को बताया कि हरिपुर संडोली के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। लंडेवाल गांव सड़क के से सबसे दूर है, लेकिन वहां के किसानों को सबसे ज़्यादा ज़मीन का मुआवजा मिला है, और वहीं संडोली की ज़मीन सड़क के साथ है, यहां के किसानों को सबसे कम मुआवजा दिया गया है। एसडीएम ने इस बात को स्वीकारते हुए कहा कि इसके लिए वह उपायुक्त से मिल सकते हैं और वहीं इसके लिए अधिकृत है। किसानों ने यह भी बताया कि उनकी ज़मीन कम अधिग्रहण हुई है, लेकिन मौके पर ज़्यादा ली गई है, उसके लिए उन्होंने दोबारा से निशानदेही कराने को कहा। इसके लिए बद्दी के तहसीलदार से निशानदेही के आवेदन कर सकते हैं। किसानों ने यह भी बताया कि अभी तक वह कई बार किसानों ने अपनी शिकायतें रेलवे विभाग को भेजी हैं, लेकिन गलत पते के चलते अधिकारियों तक नहीं पहुँची हैं। इसके लिए मौके पर ही रेलवे विभाग के अधिकारियों का नाम और पता नोट किया गया है। इस नए पते को उपायुक्त को दिया जाएगा। बैठक में बद्दी मार्ग से आगे क्षेत्र में चल रहे कार्यों का एसडीएम निरीक्षण करेंगे। कानूनगो को बुलाकर किसानों की जमीन की निशानदेही होगी। तहसीलदार बद्दी को इसके लिए अधिकृत किया गया। उपायुक्त को जन सुनाई के लिए आग्रह किया जाएगा। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर 7 दिन के भीतर अमल नहीं हुआ तो दोबारा से काम रोक दिया जाएगा। बैठक में डीएसपी प्रियंक गुप्ता, नंबरदार चरण दास, पूर्ण प्रधान रामेश्वर दास, भाग सिंह कुंडलस, लाभ सिंह, गुरचरण सिंह आदि उपस्थित रहे। हमने 5 बिंदु लिखकर दिए थे एसडीएम साहब को, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है और कुछ 2-3 ऐसे मुद्दे थे उनके ऊपर सहमति भी जताई गई है, और कुछ हमारे जो पुराने केस लगे हुए थे डीसी मैडम के पास में, उसके साथ जो हमारे लॉयर थे उन्होंने इनके रेलवे के एड्रेस नहीं प्रोवाइड किए, इसलिए वो रुका हुआ है। उसके लिए हम 1-2 दिन में डीसी मैडम से मिलेंगे, जाकर 2-3-4 आदमी जो इस कमेटी के मेंबर हैं, और उसके बाद में रिक्वेस्ट पर, प्रशासन के रिक्वेस्ट पर ये दोबारा काम चालू करने के लिए हमने बोला है कि अगर 2-3-4 एक हफ्ते के अंदर हमारा ये कुछ सॉल्व नहीं होता है तो हम दोबारा से बैठक करेंगे। सारी 7 गांवों के लोग जैसे भी होगा वैसे उसके बाद में अगला कदम उठाया जाएगा। इशू कर दिया कि चलो काम चालू कर लो, कोई बात नहीं, हम डीसी मैडम के जाके मिलेंगे अगले दिन। जी, जिमींदारों को जो है बहुत कम मुआवजा जो हरिपुर सुडोली और कई मौजों में मिला है, कम ही नहीं मिला, अन्याय भी हुआ जिमींदारों के साथ। उसके खिलाफ कल से जिमींदारों ने रेलवे का काम रोका था। आज एसडीएम साहब आए मौके पर, इन्होंने कई समस्याओं के लिए हमारे को जो है आश्वासन दिया, जैसे कि एक तो जो रेट कम मिला है उसके लिए कि आप जो है जा कर के डीसी मैडम को मिलिए, और इसकी सुनवाई की तारीख जो है 23 मई लगी है ना, 23 मई की बजाय जल्दी है। जो लेट है ना उसकी हियरिंग जल्दी हो, इसके लिए एप्लीकेशन देने को बोला है। और जो नॉर्दर्न रेलवे का जो एड्रेस था संबंध जाने थे, उनका एड्रेस वहाँ पर नहीं था, वो गलत, हाँ, जो चीफ इंजीनियर उसका एड्रेस दिया कि उसको संबंध प्रोवाइड करें ताकि हियरिंग जो सुनवाई जल्द हो सके। और कुछ लोगों के जो अंडरपाथ की समस्या थी वो भी मौके पर कुछ सजा दी गई है, कुछ बद्दी साइड के है, वो साहब ने बोला है कि मैं एक दिन आकर के डेट रख लेंगे 10-12 अप्रैल के बीच में जो है लोगों के साथ मिल करके डिस्कस करेंगे। कुछ निशानदेही की समस्या थी उसके लिए इन्होंने तहसीलदार बद्दी को बोला है कि उनको आप एप्लीकेशन लगाइए, उसके बाद जैसे ही टाइम मिलेगा इसकी निशानदेही की जाएगी। तहसील एसडीएम साहब के आश्वासन के बाद सभी लोगों ने ये बोला है कि एक हफ्ते तक अगर हम जैसे ही 2-3 दिन में जिम्मेदार लोग डीसी मैडम को अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे
उसके बाद अगर हफ्ते तक 10 दिन तक कोई समाधान नहीं निकलता है, दोबारा से फिर लोग जो है इकट्ठे होकर पहले SDO साहब से मिलेंगे और उसके बाद जो भी अगला फैसला है वो मिलकर अपनी बैठक करके लेंगे। क्यों जी? तो जो काम रोका गया था उसको शुरू कर दिया? हाँ जी, शुरू कर फिलहाल हमने प्रशासन की रिक्वेस्ट पर जो है जिम्मेदार ने जो बोल दिया है, बाकी जो भी अगली रणनीति है जो जिम्मेदार अपनी बैठ कर बनाएंगे और आपको बता देंगे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।